कितना टाइम हो गया इसको बनाए हुए यहाँ पे, या आप लोगों ने खुद बनाया इसको? एक साल हो गया। एक साल हो गया, अभी भी ये बन रहा है ना, अभी कंप्लीट नहीं है। इसको नगर वन कहते हैं। ज़बरदस्त है यार, आप लोगों ने बहुत ज़बरदस्त मेहनत की है इसके ऊपर। गुड, थैंक यू। और यार सोने की है, हमने कुछ यहाँ पे पाया है। ये सोने की है क्या? डायमंड की है। वाह यार, दिस इज़ ऑसम ब्रो। चलिए, एक चीज़ तो हमें मिल गई है जो कि बहुत प्रीशियस है, एंड दिस इज़ गिफ्ट फॉर अस, ये हमारे लिए शायद यहाँ आने के लिए गिफ्ट है। टू दी चैनल, अस्सलाम वालेकुम। अभी पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, यहाँ पे ऑफ रोडिंग हो रही है, लेकिन बाइक्स नहीं लेके जा सकते थे। यहाँ पे अननोन सा प्लेस है कुछ, लेकिन मालूम नहीं है उस जगह का नाम क्या है। कुछ स्पेशल वहाँ पे बनाया गया है। आज दोस्तों ने कुछ मांग कर ली कि एक अननोन सा प्लेस है, नाम मुझे उसका बिल्कुल भी पता नहीं है, तो बोला कि वहाँ पे कुछ नेचुरल ब्यूटी है, वो ज़बरदस्त तरीके से है, तो मुझे लगा कि अपने व्यूअर्स को दिखाना चाहिए। सो अभी तो मैं चल रहा हूँ उसी के और आई डोंट नो क्या नाम है उसका, लेकिन अभी देख लीजिए ऑफ रोडिंग हो रही है। दो फ्रेंड है मेरे साथ, ये ब्लैक आई थी साथ में, बाइक्स थे साथ में, लेकिन यहाँ पे नहीं आ सकते बाइक्स। आप देख सकते हो ये जो रोड है ना, ये बराबर पहाड़ पे चढ़ रहा है। सो प्लीज़ आप व्लॉग में बने रहें, बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग है, एंड मैंने सुना है उसके बारे में कि वहाँ पे जो ब्यूटी है, नेचुरल ब्यूटी, वो एकदम ज़बरदस्त तरीके से है। तो देख लेते हैं, हम भी देख लेते हैं कि कितनी अच्छी ब्यूटी है वहाँ पे। मैं भी कभी नहीं गया हूँ, दिस माय फर्स्ट टाइम, सो प्लीज़ स्टे विद मी एंड डोंट स्किप दिस व्लॉग। मुझे नहीं लगता था यहाँ पे बाइक्स चढ़ सकती थी, बाइक्स हमने नीचे रखे, वहाँ पे हमने बाइक्स को रखा, एंड यहाँ पे अब हम जा रहे हैं ऐसे पैदल ही, क्योंकि ये रोड जो है बहुत ऊँचा जा रहा है, ऊपर जाना है हमें बहुत ही ऊपर तक। भाई कितना चलना है अभी? नहीं, कितने? 2 किलोमीटर? और नहीं यार, ऊपर से रोजे रखे हैं यार। तो चले देखते हैं वहाँ पे क्या स्पेशल होगा। मैंने रोजे रखे हैं, एंड इनका पता नहीं इन्होंने रखे भी है कि नहीं रखे है, मुझे तो शक हो रहा है इन पे, एंड मुझे बिल्कुल ही शक हो रहा है इन पे कि इन्होंने रोजे रखे हैं। शायद मे बी रखे हैं, एंड मे बी नॉट, गॉड नोज बेटर। यहाँ पे नया ही बना हुआ है, आगे देख सकते हो बहुत ऊपर तक जा रहा है, बहुत यहाँ ऊपर पहाड़ तक जा रहा है ये ऊपर से। अभी टेम्परेचर भी बहुत ज़बरदस्त है, धूप मेरे सर के ऊपर ही खड़ा हुआ है, मंडरा रहा है। तो अभी चल रहे हैं, लेकिन अभी देख लीजिए आप, पैर भी फिसल रहे हैं इस पर। तो ये बात कर रहे थे यहाँ पे बाइक लाने की, तो क्या यार बकवास है, यहाँ पे थोड़ी अभी बाइक ला सकते थे। देख लीजिए वहाँ से ये रोड जा रहा है, एंड वहाँ से फिर ऊपर जा रहा है। चलिए मेरे साथ बने रहे, बिल्कुल भी इस वीडियो को, इस व्लॉग को स्किप ना करें, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त व्लॉग बनने वाला है। कि यहाँ पे कुछ डिफरेंट तो है, यहाँ पे बहुत स्पेशल है, तभी मैं यहाँ आया हूँ। अगर आपने स्किप किया इस व्लॉग को तो बिल्कुल भी आपको मज़ा नहीं आएगा, फिर बराबर स्टार्टिंग से देख लीजिए एंड तक, क्योंकि ये ज़बरदस्त व्लॉग बनने वाला है। धूप भी बहुत ज़्यादा है, ऊपर से मैंने बोला है आपको मैंने रोज़ा रखा है, लेकिन फिर भी चलते हैं ऊपर। चले अभी देख लीजिए कितना ऊपर जाना है हमें, एक पहाड़ पे जाना है। पता नहीं यहाँ पे किसने रोड बनाया है यार, उसको घसीट के लाना था। अगर रोड बनाया आपने तो कम से कम इसकी वाइडिंग तो ठीक से रखो। देख लीजिए अली हुई है, नहीं रोड ही अभी बना हुआ है। देख लीजिए कहाँ ऊपर जा रहे हैं यार, बहुत ऊपर चढ़ रहा है अभी हम आगे बहुत ऊपर पहाड़ तक, लेकिन है ज़बरदस्त यहाँ पे व्यू जो आपको देखने को मिलेगा ना, दिस इज सो अमेजिंग। देख लीजिए वाह, जगह तो बहुत अच्छी है यार, लुक एट दिस, दिस इज नाइस प्लेस। एक बात बताऊँ, यहाँ पे जब रमजान के दिन जाएंगे फिर तो बहुत अच्छा मज़ा आएगा यहाँ पे, क्योंकि खाने के साथ इंसान कुछ ला भी सकता है, एंड पानी पीने का इंतज़ाम भी होगा, पानी भी पी सकता है इंसान, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊपर जाना पड़ता है एकदम पहाड़ पर। सो मुझे लगता है उस टाइम तो बहुत ज़बरदस्त मज़ा आ जाएगा। वो वाला व्यू देख लीजिए आप, बर्फ़ से लिपटे हुए पहाड़ बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं अभी, देख लीजिए। एंड ऊपर से इसके पीछे जो बादल है ना, एकदम जैसे सेम मैचिंग हो रही है, कि पहाड़ पे सारा बर्फ़ ही है, लेकिन पहाड़ के नीचे से बर्फ़ है एंड पीछे बादल छाए हुए हैं। लुक एट दिस, एंड यहाँ पे आप देख लीजिए व्यू कैसा अच्छा लग रहा है। अभी बहुत ऊपर जाना है अभी और हमें। यार
कितना झूठ बोलता है। तुमने बोला कि यहाँ पे बाइक आ सकती है, तुमने बाइक पे दो दो बंदों को उठा के लाया। मैंने तो जूता लाया, इसने चप्पल लाया, इसको पता था कहीं नहीं जाना है, बहुत कम दूर जाना है, लेकिन थैंक गॉड मैंने कुछ जूता पहन के रखा है। ऑलवेज मैं जूता ही पहन लेता हूँ, चाहे दूर जाना हो चाहे नज़दीक ही जाना हो, मैं दूर जूता पहन लेता हूँ। बिकॉज क्या पता कभी भी एक व्लॉगर को, एक यूट्यूबर को ये होता है कि उसको एक्सप्लोर कुछ भी करना पड़ेगा कभी भी किसी भी टाइम। भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। चलिए बने रहा मेरे साथ, एंड अभी जाना है बहुत ज़्यादा ऊपर। नहीं यहाँ से तो जा सकता है, यहाँ से बाइक जा सकती है, मुझे लग रहा है यहाँ पे, मतलब उतना हाइट पे नहीं है, लेकिन वहाँ से मुझे लग रहा है प्रॉब्लम ही होगी ना, वहाँ से आने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। बट यहाँ पे ठीक है, ये रास्ता ठीक है। हाँ यार सोने की है, हमने कुछ यहाँ पे पाया है। ये सोने की है क्या? डायमंड की है। वाह यार दिस इज़ ऑसम ब्रो। चलिए एक चीज़ तो हमें मिल गई है जो कि बहुत प्रीशियस है, एंड दिस इज़ गिफ्ट फॉर आज से हमारे लिए, शायद यहाँ आने के लिए गिफ्ट है। वाह यार देखिए हम पहुँच गए, लेकिन यहाँ पे संभाल के हमें उतरना पड़ेगा। आराम से उतरो भाई। वाह यार अभी नया रोड यहाँ पे डाला है ना। वाह यहाँ पे इसको बनाया गया है एक अच्छे तरीके से, हम अंदर जाके इसको अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। लुक एट दिस, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है जम्मू एंड नगर 1 डूरू वेरी नाग डिवीजन। चले अंदर एंटर हो जाते हैं। अभी नए नए फ्लावर्स यहाँ पे लगे हुए हैं, देख लीजिए। अभी उतने भी मतलब अभी फ्रेश ही लगाया हुआ है इनको, एक दो दिन हो गए हैं शायद, सिर्फ एक दो दिन इनको लगाए हुए शायद हुए हैं। हाँ स्विमिंग पूल भी लगा देंगे, यहाँ पे पानी कौन लाएगा। हाँ यहाँ पे बैठने के लिए कुछ जगह बनाई गई है थोड़ा सा। अभी ऊपर जाएंगे, यहाँ से भी ऊपर कुछ है, कुछ बनाया गया है, देख लेते हैं ऊपर भी क्या बनाया गया है। चलिए सीढ़ियाँ जैसे बनाई गई है यहाँ पे, देख लीजिए ऐसा नज़ारा होगा यहाँ पे। सांस फूल रही है मेरी, बस इतना ऊपर चढ़ के। एंड यहाँ पे इसको डिज़ाइन किया गया है एक पुराने तरीके से, एंड वो ओल्ड तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है, देख लीजिए इसको बिल्कुल ओल्ड तरीके से, जो ये है इसको लगाते थे पुराने मकान में, लगाते थे इसको। वाह यहाँ पे भी कुछ बनाया गया शायद कबूतरों के लिए ना, कबूतरों के लिए डिज़ाइन है। नहीं यहाँ पे कबूतर भी बैठ सकते हैं शायद इसमें, अगर जिनकी मर्जी होगी वो यहाँ पे बैठ सकते हैं शायद, ही चिट्ठी के लिए ना। नहीं नहीं यहाँ पे इतनी अच्छी हवाएं चल, ऊँचाई बहुत ज़्यादा है यहाँ पे एंड गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो। आप देख रहे हो ये टॉप है यहाँ पे, हैंड पे चढ़ के हम नीचे का व्यू देख सकते हो, एकदम ज़बरदस्त तरीके से इसको बनाया गया है, देख लीजिए। वाह ज़बरदस्त है ये, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे, ऐसे पहाड़ ही पहाड़ एंड सर्कल में इसको बनाया गया है। यहाँ पे इनके मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन दिए गए हो, यहाँ सीखते हो। यहाँ पे मैं एक चीज़ दिखाऊंगा आपको, जो ये प्लांट लगाया गया है इसने लगाया है श्री इरफान अली शाह IFS। तो अपनी अपनी ना हर किसी के, जिन जिन लोगों ने ये लगाया है उन लोगों के यहाँ कौन कौन सा पेड़ किसने लगाया है, यहाँ पे किसके थ्रू ये प्लांटेड हुए हैं, वो सारे यहाँ पे दिए गए हैं। ऊपर भी कोई एक हट दी गई है। गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ, जितना ऊंचाई पे जाओगे उतना ठंड बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं बता दूँ दिस इज़ ऑसम प्लेस, ये प्लेस एकदम ज़बरदस्त प्लेस है, सो यू शुड विजिट हियर, आपको आना चाहिए यहाँ पे। बहुत ज़बरदस्त ब्यूटीफुल तरीके से इन लोगों ने इसको बनाया है, ये इतना ज़बरदस्त काम करते हैं यहाँ पे, इतने अच्छे तरीके से इसको, एक पहाड़ को इन्होंने एक ब्यूटीफुल विजिटिंग प्लेस जैसा बनाया, जहाँ पे आप विजिट कर सकते हो एंड नज़ारा देख सकते, पहाड़ का नज़ारा देख सकते हो, बहुत ज़्यादा ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, यहाँ पे बैठ सकते हो एंड शायद यहाँ पे खाने पीने का भी इंतज़ाम रखा होगा इन्होंने, ये भी इन्होंने बनाया है यहाँ पे। एंड
मुझे यकीन नहीं हो रहा है, सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि इतनी ज़बरदस्त चीज़ें यहाँ पे बनाई गई है इन लोगों ने। एंड मैं पहली दफ़ा आया हूँ यहाँ, एक्चुअली दिस माई होम टाउन, ये मेरा होम टाउन है, बट मैं पहली दफ़ा आया हूँ यहाँ एंड मुझे नहीं पता थी, मुझे दोस्तों ने बोला कि यहाँ पे एक जगह है वो ज़बरदस्त है, कुछ भी नहीं पता थी यहाँ पे इतना ज़बरदस्त इन्होंने बनाया है इसको। एंड आप देख सकते हो ये हट टाइप सा इन्होंने बनाया है, यहाँ पे आप बैठ सकते हो, यहाँ पे स्टे कर सकते हैं हम एंड नज़ारा ले सकते हैं। आगे ये बस्ती है, बहुत बड़ी बस्ती है, तो शायद अगर रात के टाइम आप यहाँ पे विज़िट करोगे सो मुझे लग रहा है कि ऐसी जगह आपने लाइफ में कभी नहीं देखी होगी। एंड सबसे बड़ी बात, मुझे खुद भी नहीं पता थी यहाँ पे इतना स्पेशल है यार, मुझे एक्सपेक्ट नहीं हो रहा है, मुझे मैं हैरान हो रहा हूँ कि इतनी अच्छी जगह इन लोगों ने इसको मेहनत करके बनाया है। एंड हमें इनका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहिए एंड मैं इनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया करता हूँ कि इन्होंने इसकी मेहनत जो है बहुत अच्छी तरीके से करी है। देख सकते हो आप, ये मोहम्मद रमज़ान का महीना चल रहा है सो आज बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे देख सकते हो आप, अभी इसको बनाया जा रहा है, एक हट यहाँ पे भी बनाई गई है लेकिन यहाँ पे दूसरी है। हम वहाँ पे चलते हैं, देखिए आगे कितना अच्छा नज़ारा होगा इसके आगे, इसके अंदर चलते हैं। अभी बना रहे हैं शायद, इसको अभी बना ही रहे हैं। वाह, लेकिन यहाँ पे इतनी अच्छी हवाएं चल रही है ना, इसके अंदर इतनी अच्छी हवाएं चल रही है जैसे लग रहा है कि यहाँ पे कूलर लगा हुआ है। ऊपर से मुझे बहुत भूख भी लग रही है क्योंकि बातें बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ, सो उसकी वजह से भी मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, इसलिए मैं थोड़ा कम बातें कर रहा हूँ एंड आपको मैं दिखाऊँगा। प्लीज़ स्टे करें इस व्लॉग में। ये लोगों ने जाली दे के रखी है यहाँ पे बस। एंड इसके आगे आप देख सकते हो बहुत सारे मकान हैं एंड उसके आगे वही बर्फीला पहाड़। रात के टाइम तो ये शाइन मारता होगा, जस्ता होगा रात के टाइम में, ज़्यादा स्पेशली रात के टाइम में अच्छा लगता होगा। इसको जाली दी गई है बहुत नीचे तक एंड बहुत दूर तक, जहाँ से आ गए हम वहाँ से इसकी जाली दी गई है, वहाँ ऊपर पहाड़ तक बराबर जो जो अंडर इसके अंडर आती है, फॉरेस्ट के अंडर आती है लैंड, उस लैंड को इन्होंने जाली से कवर किया है। एकदम ऊंचाई पे आप जाओगे तो एक ज़बरदस्त तरीके से डिज़ाइन हुआ मिलता है आपको, जिसको बहुत परफेक्ट तरीके से इन्होंने डिज़ाइन किया गया है। देख लीजिए, वाह, देखो किस तरीके से इन्होंने इसको डिज़ाइन करके रखा है, किस तरीके से इन्होंने इसको डिज़ाइन किया हुआ है। वो वहाँ पे एक और हट दी गई है एंड वहाँ पे दूसरी हट दी गई है, यहाँ पे तीसरी एंड ये अभी कंस्ट्रक्शन में अभी बन रही है एंड वहाँ पे भी स्टे कर सकते हो एंड बहुत आगे का नज़ारा देख सकते हो। अगर आपको थोड़ा सा ये धुंधला लग रहा है, एक्चुअली धूप जो मेरे पीछे आ रही है ना, पीछे के साइड से ही धूप लग रही है, वो स्क्रीन कैमरा के ऊपर ही डायरेक्ट आ रही है, तो उसकी वजह से सॉरी। अब चलते हैं नीचे की ओर एंड देखते हैं अगर कोई और चीज़ हमें एक्सप्लोर करने के लिए मिली तो एक्सप्लोर करेंगे, अदरवाइज हमने सारा जो यहाँ पे था वो एक्सप्लोर किया एंड बहुत ज़बरदस्त फैंटास्टिक जगह है, तो आपको यहाँ पे आना चाहिए। इसको टाइम लगेगा अभी बनाने में बहुत ज़्यादा, है ना, नहीं इसको बहुत टाइम लगेगा अभी बनाने में क्योंकि इन्होंने इसको नया ही बनाया, मुझे लग रहा है एक साल तक ये ज़बरदस्त तरीके से लगेगा आपको फिर, एंड आप जब यहाँ आओगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अच्छी जगह है यहाँ पे, इनको इन्होंने बहुत अच्छी मेहनत तरीके से इसको बनाया गया है। अभी मैं बहुत ज़्यादा बातें नहीं कर सकती है, पीछे वाला बंदा कह रहा है आप पानी पियेंगे यार, फिर क्या फ़ायदा है यार। तो ये था हमारा आज का व्लॉग जो कि बहुत इंटरेस्टिंग था एंड मुझे खुद अच्छा लगा यहाँ आने को। बहुत वाला एक दोस्त है यहाँ पे फिर से झूला झूल रहा है, आजा यार देर हो रही है अब ब्रो आजा। कुछ अंकल्स बैठे हुए हैं, शायद इन्होंने इसको बनाया है यहाँ पे, इसको नगर वन कहते हैं। कितना टाइम हो गया इसको बनाए हुए यहाँ पे, आप लोगों ने खुद बनाया इसको? एक साल हो गया अभी भी ये बन रहा है ना, अभी कंप्लीट नहीं है, इसको नगर वन कहते हैं। उन्होंने बहुत ज़बरदस्त मेहनत की है इसके ऊपर, बहुत ज़बरदस्त नगर वन है, गुड थैंक यू। तो जैसे मैंने कहा कि इसका नाम है नगर वन डूरू वेरीनाग रेंज, नगर वन है कुछ इसका नाम, तो यहाँ पे आप आ सकते हो। सो ये था आज का व्लॉग, आई होप कि आप लोगों ने इस व्लॉग को बहुत ज़्यादा पसंद किया होगा। प्लीज़ अगर आप लोगों ने इस व्लॉग को पसंद किया तो फीडबैक दीजिएगा ज़रूर, प्लीज़ एंड प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ये भी लिखिए कि आपको ये व्लॉग कितना अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, साथ साथ शेयर कीजिए मेरे व्लॉग को। एक्सप्लोर करने में मेरा पसीना छूट गया, यकीन मान लो। सो ये था आज का व्लॉग जो कि बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग था। अब मैं भी घर जाने वाला हूँ, अभी इसको बनाने में एक और दो साल लगेंगे एंड उस टाइम आप देख लीजिए जब यहाँ पे पेड़ पौधे लगेंगे उस टाइम इसका जो नज़ारा होगा कितना अच्छा होगा। सो ये था मेरा आज का व्लॉग, जैसे मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया है कि हम एक्सप्लोर भी करेंगे, ऐसी ऐसी जगहों को एक्सप्लोर करेंगे जो कि आपने देखी ही नहीं होगी।
पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। चलते हैं हम घर वापस। आज हमने इस नगर वन को एक्सप्लोर किया एंड आई होप कि आप लोगों ने इस व्लॉग को देख के बहुत ज्यादा एंजॉय किया होगा। सो मिलते हैं ऐसे ही दिलचस्प किसी व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज़।